functioned. किसी पिता ने अपने दो बेटों को शिक्षा के लिए भेजा और जब वो दोनों वापस आए कई वर्षों बाद, तो पिता ने पूछा पहले बेटे से, तुमने भगवान के बारे में क्या जाना है? तो वो पहला बेटा परमात्मा का वर्णन करने लगा कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, और बोलता ही रहा। पिता ने कुछ नहीं कहा और पिता ने दूसरे बेटे से पूछा कि तुमने भगवान के विषय में क्या जाना है? तब वो चुप रह गया, उसने कुछ नहीं कहा। संपूर्ण ज्ञान मौन है। किसी कन्या की शादी हो रही है, बारात आई है, दरवाजे के पीछे वो कन्या और उसकी सहेलियां खड़ी है। वो सहेलियां उस कन्या से पूछती है जो भाई बैठे हुए हैं वहां, उनमें से तुम्हारा पति कौन है? उसे पूछते हैं क्या वो तुम्हारा पति है? वो कहती है नहीं। फिर उसे पूछते हैं क्या वो दूसरा तुम्हारा पति है? कहती है नहीं। उसे पूछती है कि वो जो तीसरा है वो तुम्हारा पति है? वो कहती है नहीं। फिर पूछते हैं वो जो चौथा बैठा है वो तुम्हारा पति है? वो कुछ नहीं कहती है, चुप। वही उसका पति है। जब संपूर्ण पहचान हो जाती है तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं रहती। सत्य को बताने की या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्म है, रहस्य है। परमात्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, पवित्रता सूक्ष्म है, कर्म की गति सूक्ष्म है, मन पर होने वाला प्रभाव सूक्ष्म है, शब्दों का प्रभाव सूक्ष्म है। चैतन्य महाप्रभु तल्लीन थे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और उसी तल्लीनता में नदी के किनारे बैठे थे, गिर गए नदी में। एक मछुआरा मच्छी पकड़ रहा था नदी के किस ओर, किसी तट पर जहां नदी शांत थी, और उसकी उसके जाल में चैतन्य महाप्रभु आ जाते। उनके शरीर से संपर्क होता है और उसको बाहर निकालता है। तो जैसे ही संपर्क होता है वही नशा उस मछुआरे में आ जाता है, वही ईश्वरीय प्रेम, वही विरह वेदना इतना ज्यादा आ जाता है कि वो विक्षिप्त हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 कृष्ण। लोगों को समझ नहीं आता इसका क्या किया जाए, इलाज क्या है, क्योंकि वो इंसेन पूरा ही पागल हो गया। उसे पकड़कर वापस चैतन्य महाप्रभु के पास ले आते हैं कि आप ही बताओ क्या करें, आपका ही संपर्क हुआ, स्पर्श हुआ है, उसके बाद ऐसा हुआ है। वो कहते हैं अच्छा है, एक काम करो, कोई संसारी
पंडित होगा, उसके घर का भोजन लेके आओ। चावल लेके आते, कहानी बंगाल की है, और वो उस व्यक्ति को, उस मछुआरे को खिलाया जाता है। तब कहीं जाके ईश्वरीय नशा उतरता है और सांसारिकता उसमें प्रवेश करती है। फिर उसे याद आता है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा संसार, मेरा घर। हर चीज जो हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, भोजन, दूसरों के विचार, वो सब हमें प्रभावित कर रही है। इतना सब कुछ सूक्ष्म है, सारा प्रपंच, सारा खेल बहुत बहुत सूक्ष्म है। अभी अभी पवित्रता की क्रांति से हम सब गुजरे, इतनी शक्तिशाली मुरलियां। ऐसा हो नहीं सकता कि जिसने वो किताब एक बार भी पढ़ी होगी वो अप्रभावित अछूता रहा होगा। पवित्रता ब्राह्मणों के की आंखों की रोशनी है, ब्राह्मणों की बुद्धि की बुद्धि का भोजन है, कर्मों का धंधा है, संबंध संपर्क में मर्यादा है, श्वास है, श्रृंगार है, मर्यादा है, फाउंडेशन है, ब्यूटी है, रॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, पब्लिसिटी है। और प्यूरिटी की वो परिभाषा भूल जाओ, शरीर के तल की, उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। अभी सारे दिन की जो चेकिंग है वो है वेस्ट और नेगेटिव और साधारण, ऑर्डिनरी, ये भी आ रहा है, मतलब प्यूरिटी खंडन हो रही है। वेस्ट आ गया, प्यूरिटी खंडन, अब ये परिभाषा से चलना है। किसी ने हमारी निंदा की, उस आत्मा के प्रति वेस्ट चला, मतलब प्यूरिटी गई। हमने किसी के प्रति परचिंतन किया, अर्थात प्यूरिटी खत्म। अब प्यूरिटी की इस परिभाषा से हमें चलना है। जब जब वेस्ट आएगा, प्यूरिटी खत्म। शरीर की बीमारियां आ गई, वेस्ट चल रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, प्यूरिटी खत्म। वेस्ट इम्प्यूरिटी है, ऑर्डिनरी इम्प्यूरिटी है। ऑर्डिनरी तो इसको फिर भी हम थोड़ा छोड़ सकते हैं अभी, पर ये दो तो 100% इम्प्यूरिटी है। और प्यूरिटी का सहज पुरुषार्थ एक शब्द में है, निस्संग हो जाओ, असंग हो जाओ। सब पार्टनर्स, सब कंपेनियन, सब साथी, सब मित्र, सब संबंधी, सबको हटाओ। भगवान को अपना बनाने की दो विधियां है, एक तो वही सब कुछ है, उसी के बारे में सोचते रहना। दूसरी, उसके बारे में सोचना ही नहीं, जो है दूसरे उसके अतिरिक्त उनको हटाते जाओ, तो वो तो है ही बैठा। स्त्रियां सभी पुरुषों को हटा दे, पुरुष सभी स्त्रियों को हटा दे, दिस इज फर्स्ट स्टेप। जब ये हो जाएगी तब फिर स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ हटा दो। फर्स्ट स्टेप क्या है, पुरुष सभी स्त्रियों को हटा दे, निसंग हो जाओ, असंग हो जाओ। मुझे किसी का भी साथ नहीं चाहिए। पुरुष के लिए कामिनी कांचन, स्त्री के लिए पुरुष कांचन, वुमन एंड गोल्ड, मैन एंड गोल्ड, हलचल क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, पहली विधि है
एक बाप को ही भर दो। केवल पुरुषार्थ तीन ही है, इन तीन के अतिरिक्त और कोई पुरुषार्थ नहीं है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा भोजन, तीसरा प्रभु प्रेम। बस खेल खत्म। इस तीन के अतिरिक्त और कोई पुरुषार्थ नहीं है। अगर पूछा जाए तीन में से एक को हटाओ दो बताओ, तो प्रभु प्रेम को हटाया जा सकता है, क्योंकि प्रभु प्रेम परिणाम है। तो बचे दो, ब्रह्मचर्य और भोजन। अगर ये कहा गया कि दोनों में से एक को हटाओ और एक ही रखो, तो वो है भोजन। उसके आधार पर सब अपने आप, ये तीन मुख्य है, बस तीन को ही, तीन पर ही काम करना है। ये तीन पर काम कर दिया तो बाकी सारी प्योरिटी, बाकी समान मुकुल मुरलिया, अध्ययन, टेस्ट, परीक्षाएं, जीवन की समस्याएं, शरीर की बीमारियां, सब सब अपने आप चला, अपने आप होते हुए भी हमें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तो ये तीन में से एक बताया हमने, प्रभु प्रेम। उसकी दो विधियां है, एक तो परमात्मा से खुद को भर देना, और दूसरी विधि दूसरे जो है उनको खाली करते जाना। उसमें भी स्टेप नंबर वन, पुरुष के लिए स्त्रियों को खाली कर दो, स्त्रियों के लिए पुरुषों को खाली कर दो। स्टेप नंबर टू, दोनों को खाली कर दो। आज से एक नई श्रृंखला हम चालू करेंगे, एक नई भट्टी 72 और 73 की मुरलिया, 46 प्लस 28 ऐसी 74 मुरलिया। उसमें पांच नियम है। रूल नंबर वन, हर दिन एक टेस्ट देनी है, नूतन क्रांति टेस्ट, हर दिन एक टेस्ट। और यह टेस्ट का उद्देश्य है प्रैक्टिस, हमें रोज परीक्षा देने की प्रैक्टिस चाहिए, तो वो आदत बन जाएगी। अभी जो मेजर प्रॉब्लम आया है वो ये कि समय नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। टाइम क्यों नहीं मिला? जरूरी नहीं है जिसने चार बार मुरलिया पढ़ी है वो, उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि एग्जाम देना ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, ये एक स्ट्रेटजी है। वो जब तक वो नहीं पता तब तक एग्जाम में पास नहीं हो सकते। एक प्रश्न आया और उसी एक प्रश्न में 5 मिनट तक सोचने लगे, क्या है ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा, वो तो लग रहा है, और टाइम पूरा हो गया। इसे कहते हैं मूर्खता। तो रोज 12 बजे से रात को 9 बजे तक का टाइम है, स्पीच कभी भी दो। और आज की जो मुरली है वो है 2/2/72 की, छोटी सी मुरली है, बहुत छोटी सी मुरली। और अभी हम जो 2-3 शब्द बोल रहे हैं उनमें से 7-8 प्रश्न है। मुरली है प्रीत बुद्धि पर, इसमें बाबा ने वार्निंग दी है, सावधानी दी है, सम्मुख रहने के लिए कहा है, गफलत से बचने के लिए कहा है। छोटी सी मुरली है, एकदम छोटी सी। विनाश काले, कौन सी बुद्धि, जलक पलक, ये सब अभी जितना सुना उसमें 10 प्रश्न थे। तो 10 प्रश्न होंगे, प्रैक्टिस के रूप में इसे देना है, ठीक है। टाइम 10 मिनट्स, टाइम कितना है, 10 मिनट में 10 प्रश्न।
अभी एक नजर हम डालते हैं एग्जाम कैसे दे, ये नहीं कोई भी एग्जाम। जब भी एग्जाम देनी हो, जैसे 40 मिनट का पेपर है, ठीक है, स्टेप नंबर वन, प्रश्नों को कभी नहीं पढ़ना है, पहले उत्तरों को पढ़ना है। ऑप्शंस क्या है, 1 2 3 4। स्टेप नंबर वन क्या है, पहले ऑप्शंस को पढ़ना। जैसे मेडिकल की एग्जाम्स होती है, उसमें प्रश्न होता है इतना बड़ा, ऑप्शंस होते हैं 4, छोटे छोटे प्रश्न होता है मेडिकल के एग्जाम में। एक 50 ईयर ओल्ड फीमेल है जो हॉस्पिटल में आई है, फिर उसको ECG में हार्ट अटैक के चेंजेस है, फिर उसका पहले बाईपास हो चुका है, फिर अभी उसको चेस्ट पेन हुआ, फिर पसीना आया, फिर ECG में चेंजेस है, उसका BP इतना है, उसकी पल्स इतनी है, फिर उसके ब्लड रिपोर्ट्स में इतने सारे ब्लड रिपोर्ट्स है, फिर उसको ट्रीटमेंट दी गई, ट्रीटमेंट के दौरान उसे ये हो गया, अब क्या करोगे, 1 2 3 4। प्रश्न है इतना बड़ा, उत्तर है 1 2 3 4। अगर कोई सोचे मैं पूरा एक एक लाइन पढ़ता हूं तो पेपर कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए प्रश्न पहले नहीं पढ़ना होता है, पहले क्या पढ़ना है, उत्तर, ऑप्शंस पढ़ना है पहले, 1 2 3 4, फटफट ऑप्शंस पढ़ लिया, फिर प्रश्न पढ़ लिया, और फिर पता चला कि कुछ भी पता नहीं है, छोड़ दो उसको, तुरंत दूसरे पे आ जाओ, तुरंत दूसरे प्रश्न पर आ जाना, और एक रफ पेपर और एक पेन रखना है जिसमें लिख देना, ये वन नंबर वाला है, कंफ्यूजन वाला है, इसमें हम बाद में, कोई भी गलत आंसर टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जब तक टिक नहीं करोगे आगे भी नहीं बढ़ सकते, इसके लिए गलत टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ, और फिर सेकंड क्वेश्चन पर आओ। सेकंड क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, अरे ये तो मुझे पता है, देखने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण आत्मा का चैलेंज है काम जीत, हजारों बार पढ़ा हुआ है, कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यही ऑप्शन है। बाबा बाबा कहते रहो तो, अगर बाबा बाबा सेवा में नहीं कहते तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं, हजार बार पढ़ा हुआ है, यही आंसर है, दूसरा आंसर है ही नहीं। पवित्रता है जीवदान, अपवित्रता है आत्मघात, हजार बार पढ़ा हुआ है, यही उत्तर है। पवित्रता डैश को छोड़ो, विष को छोड़ो, हजार बार पढ़ा हुआ है, पहले ही पता है, तो जो पता है उसमें तो टाइम ही नहीं है, तुरंत टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। स्टेप नंबर वन, उत्तरों को पढ़ना और फिर प्रश्न पढ़ना। स्टेप नंबर टू, जो नहीं आता उसको तुरंत स्किप कर देना और आगे बढ़ जाना, और उसका नंबर नोट करके रख देना। स्टेप नंबर थ्री, टारगेट रखना है, अगर 40 मिनट है 30 मिनट में मेरे प्रश्न हो जाने चाहिए, 10 मिनट रिवीजन के लिए रखना है, बैक नहीं करना है, उसमें प्रीवियस का ऑप्शन होता है, प्रीवियस कर सकते हैं, प्रीवियस 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 फॉरवर्ड प्रीवियस फॉरवर्ड, किधर भी जा सकते हो, पेज को फॉरवर्ड नहीं करना, बैक नहीं करना है, पूरा पेज के पेज बैक नहीं करना है, इसमें ऑप्शन तो हमेशा है आपके पास, हमेशा पिछले प्रश्न, सामने का प्रश्न, आगे का प्रश्न, ये तो आप हमेशा जा सकते हो। नंबर ऊपर नंबर भी लिख के आते हैं, तो इस बार नहीं था पर अगली बार उस पर काम चालू है, तो फर्स्ट पे आने के लिए आपको प्रीवियस प्रीवियस, परंतु लक्ष्य रखना है, अभी ये 10 मिनट का पेपर है तो कितने मिनट में हो जाना चाहिए, 5 मिनट में पेपर पूरा हो जाना चाहिए, 5 मिनट किसके लिए रखना है, रिविजन के लिए। हमेशा चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई एग्जाम देने के पहले का समय है या एग्जाम दे रहे, एग्जाम के पेपर का भी रिविजन होना चाहिए, और उससे भी सूक्ष्म, जीवन में अचानक कोई पेपर आ गया और उसका निर्णय लेना है, निर्णय ले चुके, अब उसको रिवाइज करो अमृत वेला कि ये निर्णय लिया है, कोई परीक्षा देनी है, कोई पढ़ाई करनी है, निर्णय तो ले लिया, पर उस निर्णय का भी रिवीजन, जैसे हमने निर्णय ले लिया है, आज कोई मिलेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देना है, उसने मेरी कल निंदा की थी, तो आज उसको क्या करना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, अभी ये निर्णय है, संकल्प ले लिया है, अमृत वेले बाबा को भी बता दिया है कि आज ऐसा लड़ाई करने वाले है, यूअर परमिशन नीडेड, और हमने ही सोच लिया कि बाबा ने वरदानी हस्त भी रख दिया है कि ये तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ है,
और तुम्हें कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो तुम कायर कहलाए जाओगे। इसका भी रिवीजन करना है, यह है अत्यंत सूक्ष्म। एक है मुरली का रिवीजन, एक है एग्जाम में जो एग्जाम दी उस एग्जाम का रिवीजन। तो अगर 10 मिनट का पेपर है तो फटाफट फटाफट सॉल्व करो, गलत गलत टिक मार्क कर दो और आगे बढ़ो, कुछ भी पता नहीं तो फिर कम बैक, क्योंकि उसमें एक तृप्ति रहती है कि मेरा एक बार तो हो गया है, मेरा पेपर हो चुका है, अभी मैं जो क्या कर रहा हूं रिवाइज। और रिवाइज करने वाले माइंड को यह पता नहीं रहता है कि कितना याद है कितना नहीं याद है, उसे खाली इतना पता है कि मैं रिवाइज कर रहा हूं, और रिवीजन कॉन्फिडेंस लाती है कि मेरा हो गया है, अब खाली रिवाइज करना बाकी है, भले एक शब्द याद नहीं है, पर तृप्ति क्या है, मैं एक बार तो हो गया पढ़ के, लाल पीला नीला तो दिख रहा है और मैंने किया है। जब ये एग्जाम के पहले ऐसी बुक खोलेंगे तो अटैक आता है फिर एकदम खाली, इसलिए नई बुक होनी चाहिए सबके पास, कोरी कोरी, और उसमें अपने रीति से नोट्स लिखो, अंडरलाइन करो, टिक मार्क करो। जैसे ये जो मुरली है जिसकी हम आज टेस्ट है, तो टेस्ट चालू होगी 12 बजे से 9 बजे के बीच कभी भी दो, 10 मिनट की टेस्ट है, 5 मिनट में पूरा करने का लक्ष्य रखना है, 5 मिनट पूरा हो गया रिवाइज करो, बैक जाके अच्छा यही है क्या, अच्छा दूसरा कुछ हो सकता है क्या। और छोटी सी मुरली है, कितनी बार पढ़ सकते हैं उसको। तो ऐसी कितनी टेस्ट होगी, 24, हर दिन एक टेस्ट, और कहीं पर भी दे सकते, चलते फिरते दे सकते, उठते बैठते जागते, पर ये टेस्ट देने का उद्देश्य है अपने माइंड को तैयार करना। हर समय परीक्षा है, हर घड़ी परीक्षा है, इस बात के लिए स्वयं को तैयार करना। अव्यक्त वाणी है और बाबा की महावाक्य है, दो दो 72, यही जिस पर टेस्ट है। तो वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो और रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो इसमें समझना चाहिए परीक्षा का समय कितना समीप है। जैसे आजकल कौरव गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्हों की मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है, इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं। और इस समय के पेपर की रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। आज जो कुछ किया वो सब कहां जमा हो रहा है, कर्मों के फाइनल पेपर में जमा हो रहा है। आज झूठ बोला, छोटा सा झूठ है पर वो भी जमा हो गया, किसके, झूठ के पेपर में, झूठ के खाते में वो जमा हो जाए। तो ये पेपर, ऐसे कितने पेपर होंगे, 24। ये प्रैक्टिस के लिए है, और जो ऐप है, जो माता है बहन है जिनको बिल्कुल ये सब पता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स हर बार गड़बड़ की है, इधर उधर उल्टा पुल्टा दबा दिया और पेपर सबमिट हो गया और फिर फेल हो गए, उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेशंस है, जिनको बिल्कुल ही हजारों वर्षों के बाद जो अभी पढ़ाई चल जिन्होंने चालू की है। जिनको पता ही नहीं था पढ़ाई कुछ होती है, कभी बचपन में कभी की थी पता नहीं कब, उसके बाद अभी यूनिवर्सिटी में आए हैं तो पता चला कि ये भी कुछ होती है, ऐसी भी कोई पढ़ाई होती है, ऐसी भी लाइन याद रखनी पड़ती है, इसके भी मार्क्स होते हैं, और फेल होने का दर्द क्या होता है, इधर जो पीड़ा होती है, जो ठेस पहुंचती है इधर हृदय को, जो आघात होता है उसका भी अनुभव किया, और जो एक मार्क और दो मार्क से फेल होते हैं उनको कैसी पीड़ा होती है। सॉरी जब आता है सामने लिखकर, अगले बार के लिए शुभकामनाएं, ये शब्द शुभकामनाएं नहीं लगता, गाली लगती है। टॉन्ट लगता है। तो 24 पेपर्स, हर दिन एक पेपर देना है। लायन जोन का क्राइटेरिया है 24 के 24 में पास, बाकी लोग जिनको इन सब से कुछ उपराम है उनके लिए बस आप देते रहो, फिर वो मत देखो, परंतु हाँ वो जो कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाई हो वो देखने में बड़ी खुशी होती है।
इसलिए उस खुशी के लिए तो भी, और छोटी 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 मुरली है, और जो भी मुरली होगी एक ही मुरली होगी और 10 ही प्रश्न है, और प्रश्न भी बहुत बहुत सिंपल होंगे, और वो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इधर क्लासेस में डिस्कस हो चुके होंगे। ठीक है, बताएंगे नहीं कि ये है वो मुरली को टच किए बिना, बाकी उस मुरली की कोई चर्चा नहीं करेंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, पर डिस्कशन ना करते हुए उसको धक्का लगाएंगे थोड़ा सा, उसमें से समझ लेना ये धक्का कहाँ था। तो ये पहली होमवर्क नंबर वन, हर दिन क्या करना है, टेस्ट देनी है, जब भी टाइम मिले दे देना, तो ये थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। उसके बाद में रूल नंबर टू, रूल नंबर टू है 21 दिन तक 2 घंटा अमृत वेला करना है, और वो 21 दिन चालू होगा 4 तारीख से, 4 से 24, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक कंपलसरी। उसकी तैयारी के लिए 2 दिन, आज और कल परसों भी, 3 दिन इस तैयारी के लिए, क्योंकि कोई भी चीज नई करनी है तो पहले माइंड में संकल्प क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा माइंड रेजिस्ट करता है। हमको आदत है 3:30 की, हमको आदत है 3:15 की, हमको आदत है 4 की, तो बराबर ऑटोमेटिक शरीर का सर्कैडियन रिदम, शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक उसी टाइम पे उठाती है, पर जैसे ही हमें कुछ चेंज करना है तो वो चेंज पहले संकल्प के तल पर आएगा। तो आपके पास अभी 3 दिन है इस ट्रेनिंग के लिए, तो 3 बजे से चालू करना, अर्थात तो उठना फिर उसके पहले फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं दूसरी जगह पर हो, घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल में हो, या इमरजेंसी में, किधर भी हो, नो एक्सक्यूज, वो आप देख लो अपना, दैट इज योर पर्सनल इश्यूज, उसमें कुछ भी कारण नहीं आना चाहिए। ये लायन जोन ट्रॉफी के लिए 2nd क्राइटेरिया है, 21 डेज। अमृत वेले का टाइम कितना है, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, चाहे घर पे हो, सेंटर पे हो, कुछ भी हो, ट्रेन में हो। हम अपना एक अनुभव सुनाते, बहुत बहुत पहले जब इतना नशा था, नशा अभी है पर उतना नहीं है, तब तो पराकाष्ठा पर में नशा, मतलब उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, वो वाला नशा, जब हम मधुबन में नए नए आए थे और फिर यहाँ से पहली बार बाहर जा रहे थे, तो ट्रेन में थे, तो यहाँ तो एकदम सुबह सुबह 1:30 बजे उठना और 1:45 बजे तक उधर पीछे के गेट से पहुंचना और बाबा की कुटिया का दरवाजा सब खोलना, तो वो आदत थी। तो जब फर्स्ट टाइम किसी कारण से बाहर जा रहे थे तो ट्रेन में थे और सो गए, हमको लगा अपने आप तो आँख खुली जाएगी, कुछ सोचना थोड़ी ना पड़ता है, ऑटोमेटिक है। और जब आँख खुली, खिड़की से देखा, तो पूरा उजाला ही उजाला दिन हो गया था। बोला अरे ये क्या हो गया, एक मन ने कहा कोई नहीं उठे अभी कर लो अमृत वेला, परंतु बहुत दुख बहुत पश्चाताप। हमने कहा ये अहंकार की वजह से ऐसा कई बार होता है, तो बहुत सोचने लगे, थोड़ा सा रोने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसे कैसे हो गया, जबकि 9 बजे ही सो गए थे फिर भी हो गया। फिर सोचने लगे हाँ चाहे ट्रेन की वजह से, ट्रेन में है वगैरह वगैरह, कितने तर्क वितर्क करने लगे, बहुत दुख हुआ। ट्रेन रुकी थी, ट्रेन चालू हुई, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर थी, हमें वो देखा ही नहीं था, और ट्रेन चालू हुई कि जब बाहर गई तो अंधेरा था, जब फिर जाके हमने देखा तो बराबर 2 बजे थे। तो रूल नंबर टू, अमृत वेला 3 से 5, उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, और जल्दी उठने की एक ही विधि है, जल्दी सोना, और कोई विधि नहीं है। जो एडवांस्ड योगी है बहुत ज्यादा, उनके उनके लिए बहुत सारे नियम बदल जाते हैं, पर अपने आप को ऐसे ही समझना है, अभी अभी हम एडवांस नहीं, अभी हम नौसिखी है, सीख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। तो 21 डेज नॉन स्टॉप, अनइंटरप्टेड, अनपंक्चर्ड, बिना किसी पंक्चर के 21 डेज, कितना दिन,
दो से तो नहीं, तीन से पांच मिनिमम। और सब कुछ देखते हुए, अपनी सेवाएं देखती हुई, अपने शरीर की रेस्ट देखते हुए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमृत वेला करना है, बहुत जल्दी उठ जाए, ये सब पुरुषार्थ नहीं करना है। क्योंकि शरीर को जब तक अच्छी नींद नहीं, आराम नहीं, तब तक बुद्धि मेमोरी काम नहीं करती है, मन नहीं लगता है, दिन में नींद आती रहती है, सेवाओं में गलतियां होती है इसके लिए, और शरीर भी बीमार पड़ सकता है। एक कुमार आया था, कहता है कि जब से ज्ञान में आया और अमृत वेला चालू कर दिया, पूरी दिनचर्या डिस्टर्ब्ड है मेरी। कल परसों ही आया था, बोले क्या करूं, जब बंद करता हूं, नहीं करता हूं ना, तब एकदम शांति लगती है, अच्छा अच्छा दिनचर्या अच्छी बीतती है। जिस दिन अमृत वेला किया, खत्म, सिर दर्द होता है, माइग्रेन ट्रिगर होता है, सब हो जाता है। तो नींद अच्छी होनी चाहिए सब कुछ देखते हुए, एक तो जल्दी सोना और दूसरा क्या खा रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है अमृत वेला। तो रूल नंबर टू। रूल नंबर थ्री, जिस दिन जो होमवर्क दिया गया है वो उसी दिन करना है और उसी दिन पोस्ट करना है, 10 दिन के बाद नहीं। पुरानी भट्टी अमृत वेले, पवित्रता की भट्टी पूरी हो गई, अभी लोग मैसेज कर रहे हैं पवित्रता वाली वो किताब कहाँ मिलेगी, अब क्या करें। हाँ, रूल नंबर फोर, ये कॉमन रूल है जो पहले भी था, 100% वीगनिज्म, नो एनिमल प्रोडक्ट्स। उसमें फिर बहुत सारी और चीजें भी आ जाएगी, लेदर, वूल, जो जो एनिमल से बना हुआ है, जिस जिस से प्रकृति को नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, दर्द हो रहा है, किसी पशु को दर्द हो रहा है, फिर वो हॉर्स राइडिंग भी हो सकता है, कुछ भी जिसमें पशु का प्रयोग हो रहा है, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट फर्स्ट, हनी, सब कुछ जो कुछ पशु से निकल रहा है वो सब कुछ। और एक चीज उसमें और एक ऐड कर दो, मैदा, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज नहीं। रूल नंबर फाइव, प्रकृति से जुड़ना है। रूल नंबर फाइव, प्रकृति से जुड़ना है। अभी 5 जून को एनवायरमेंट डे है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 5 जून। इसमें हम दो चीजें करेंगे, हर एक को जो करना है। इस बार का थीम है अवर लैंड अवर फ्यूचर। प्रकृति से जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे, दो चीजें, एक और दो, सन गेजिंग और बेयर फुट वॉक। 5 मिनट सन गेजिंग करना है, सूरज को 5 मिनट देखना सुबह सुबह, अपने देश, अपने शहर, अपने गांव, अपने स्थान पर कितने बजे सूरज उदय होता है, केवल वो सूरज जो सुबह सुबह का होता है, यहाँ पर 5:15 बजे तक हो जाता है, केवल उसको 5 मिनट तक, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, ओनली 5 मिनट्स नंगे पांव खड़े रहकर सूरज को देखना है। इसी मुरली में भी, या अभी जो पिछली हमने धवल क्रांति में देखा, बाबा ने कहा सूरज दो चीजें देता है, एक रोशनी, दूसरी शक्ति। और ये जो मुरली है जिस पर आज टेस्ट है, उसमें भी कहा है जिसके सामने जाके खड़े होगे उसकी सारी शक्ति, उसके जैसा स्वरूप तुम बनोगे। तो बाप ज्ञान सूर्य उसके सामने खड़े हो जाओ तो उसके गुण, उसकी शक्तियां तुम में आएगी। तो सूरज विराट है, सूरज बेहद का है, उस सूरज को देखते रहना, उसकी किरणें लेते रहना, बहुत आनंद का अनुभव होता है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है बेयर फुट वॉक, मतलब नंगे पाँव जमीन पर चलना। तो ये घर पे तो नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। और जैसे बाहर निकलोगे अपने आप प्रकृति से जुड़ोगे, वो गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, घास नहीं होना चाहिए, मिट्टी, सूखी मिट्टी, उस पे चलते चलते एक 10-15 मिनट उस पे चलना है। जो डायबिटिक्स है वो ध्यान रखेंगे कि उसमें कंकड़ पत्थर कांच के टुकड़े ना हो, वो साफ कर लो। कोई लोग घर पे ही ट्रैक क्रिएट करते हैं। बेयर फुट वॉक पर हमने जो एंजल ऑफ लाइट करके भट्टी थी 84 डेज की पहली, उस पर विस्तार से चर्चा की थी, जो सब बहुत पहली भट्टी थी, 2-3 वर्ष पहले कोविड के आसपास, उस पर हमने सारी चर्चा की थी। तो ये दो नियम है प्रकृति से जुड़ना है, ठीक है। चप्पल निकाल के बाहर रख दो, थोड़ा सा चलो, वो चलते चलते ही स्वमान ले लेना, प्रकृति की सारी, धरती की सारी शक्ति मुझ में आ रही है, समान ले लेना, ऊपर से सूरज की किरणें मुझ पे गिर रही है, नीचे धरती की किरणें मुझ में आ रही है, ये है प्रकृति से हम ले रहे। दूसरा समान, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मुझसे पवित्रता की किरणें पूरी धरती पे जा रही है, और मुझसे पवित्रता की किरणें पूरे चारों तरफ फैल रही है,
ऊपर जा रही है। सूरज को देखते हुए कितने सारे समान, एक तो किरणें उससे लेनी है और उसको देनी भी, हम सूरज को किरणें दे दो बस काम पूरा, वो देते बैठेगा सारे विश्व को। इतना सिंपल है, पवित्रता की किरणें मैंने सूरज को दे दी, अब मेरी किरणें सूरज तुम फैलाओ। हम क्यों फैल, होमवर्क उसको होमवर्क दे दो, वो होमवर्क करते रहेगा दिन भर अपना, वो किरणें फैलाते रहेगा। तो ऐसे ये पांच रूल है। रूल नंबर वन, जो भी डेयरी जिसमें भी है वो नहीं लेना है, दैट्स इट। जो भी डेयरी है, डेयरी आउट, जो भी डेयरी है वर्तमान समय, आप उसकी थोड़ी खुद से स्टडी करो, कितनी पीड़ा से उनको गुजरना पड़ता है, कितनी हिंसा उसमें समाई हुई है, उस हिंसा उस पीड़ा उस दर्द के साथ इन मूल्यों का अध्ययन कैसे होगा। यहाँ तो करुणा का भाव चाहिए, यहाँ तो हृदय रहम का सागर बनाना है हमें, और अगर हमारे द्वारा कोई हिंसा हो रही है तो हम कैसे इनका अध्ययन कर सकेंगे। रूल नंबर वन, टेस्ट रोज देनी है। रूल नंबर टू, अमृत वेला 3 से 5, वो भी 4 तारीख से। रूल नंबर 3, रोज का होमवर्क रोज करना है। रूल नंबर 4, दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, मैदा, ये सब बंद। 21 डेज, बस 21 दिन, उसके बाद में आपकी मर्जी। अगला, प्रकृति से जुड़ना है। अब आते हैं नई मेथड मुरली अध्ययन की, रेनबो मेथड, इसको कहते हैं रेनबो टेक्निक। रेनबो टेक्निक, मुरली कौन सी है हमारे पास आज? 2 मुरलियां है, 21-1 और 23-3-2। स्टेप नंबर 1, रेनबो अर्थात 7, ठीक है। ये हमने कई बार किया है, एक कृति से रिवीजन है ये। जैसे कोई भी टेक्स्ट पढ़ना है, चाहे वो सीए की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, यूपीएससी की पढ़ाई हो, कोई भी पढ़ाई हो जिसमें टेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट है कोई, जैसे 10 पेज पढ़ना है, जैसे यही मुरली ले लो जो आपको आज स्टडी करनी है, 2-2 वाली, एग्जाम देनी है ना, तो ये मुरली स्टडी करनी है। तो अभी ये मुरली है, इसका क्या करना है? स्टेप नंबर 1, कैजुअल रीडिंग। रेनबो मेथड मतलब 7 स्टेप्स। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। पहला रंग क्या है? कोई भी चीज पढ़ना है उसको इस भाव से नहीं पढ़ो कि मुझे एग्जाम देनी है, एकदम आराम से, हाँ अच्छा क्या है, आराम से पढ़ लो उसको, कैजुअल रीडिंग। स्टेप नंबर 1, रीड कैजुअली। स्टेप नंबर 2, कीवर्ड्स को मार्क कर दो। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे? कीवर्ड्स को मार्क कर देंगे कि भाई अभी ये जो मुरली है 2-2 वाली, इसमें कीवर्ड क्या है? बार बार आया है प्रीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि, तो दूसरी बुद्धि है ही नहीं इसमें, 3-4 MCQ तो यही पूरे हो गए। बुद्धियां बहुत सारी है, रिफाइंड बुद्धि, ये बुद्धि, वो बुद्धि, ऐसी बुद्धि, वैसी बुद्धि, विशाल बुद्धि, दूरंदेशी बुद्धि, कितनी बुद्धियां है, पर ये मुरली पूरी प्रीत बुद्धि पर है। कीवर्ड क्या है यहां? प्रीत बुद्धि। टारगेट तो रखना है 10 में से 10 मिलाने हैं। तो स्टेप नंबर 2, रेनबो मेथड में क्या करेंगे? कीवर्ड्स को मार्क कर देंगे। स्टेप नंबर थ्री, कुछ भी, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे यही वाक्य लिखा है यहाँ, यदि कोई आपका अपमान करता है तो उस पर अपमान, एक हो गया कीवर्ड, फूल ये हो गया दूसरा, खुशियां, शुभकामना, वर्षा, ऐसे 3-4 कीवर्ड्स रहते हैं मेन मेन, उतना उठा लो और बाकी छोड़ दो। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? कीवर्ड्स को क्या करेंगे? मार्क्स कर देंगे। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 3, कोई भी मेमोरी टेक्निक, जो हमने इतनी सारी मेमोरी टेक्निक्स अलग अलग यूज कर रहे हैं इतने समय से, 30-40 से भी ज्यादा हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए, हर मुरली एक एक टेक्निक से यूज किए, तो उसमें से कोई भी एक टेक्निक यूज करो और उससे उन कीवर्ड्स की एक स्टोरी बना दो। जैसे लोकेशंस पर डाल दो, 10 कीवर्ड्स है, 10 कीवर्ड्स को 10 लोकेशंस पर डाल दो, जैसे हम अभी डाल देंगे सेकंड मुरली को फटाफट। तो लोकेशंस पे डाल दिया, या तो लिंक स्टोरी बना दी, या तो CRM मेथड, या IWM मेथड, या फ्लो चार्ट, या शेप चार्ट, कुछ भी, फटाफट फटाफट उसका माइंड के अंदर ही सारा कर दिया, ये 3-4 कीवर्ड्स थे उसका, ये है, तो ये एक कर दिया। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, विजुअलाइज करना है उसको, मन की आंखों से देखना है, आंखों आंख बंद करके,
हमने क्या स्टोरी बनाई है, कहां क्या डाला है, उसको विजुलाइज करना है एक बार। स्टेप नंबर 5, फिर से उन कीवर्ड्स को एक बार पढ़ लेना। स्टेप नंबर 6, फिर से पूरी मुरली को एक बार पढ़ लेना। स्टेप नंबर 7, लिखना, पोस्ट करना उसको। तो ये 7 स्टेप्स है, इसको कहते हैं रेनबो मेथड। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा मुरली की तरफ। तो मुरली कौन सी है हमारी, 21172 AMS, AMS ये है कीवर्ड्स। मुरली पूरी हो गई, यहां पर मुरली पूरी हो गई। AMS, ए अर्थात अशरीरी, ए अर्थात अशरीरी। तुमको कौन सा अभ्यास करना है अब, अशरीरी होने का। अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से बाहर, अभी अभी वस्त्र पहने, अभी अभी वस्त्र हटा दिए, डिटैच्ड। ये मेन कॉन्सेप्ट है पूरी मुरली का। दूसरा, 3 बातें बताइए यहां पर। एक है वर्णन, एक है मनन और एक है मगन। बाबा ने कहा वर्णन तो बहुत करते परंतु मनन कम है, उसकी वजह से शक्तिशाली कम है। तो क्या करो अब, मनन। अब मनन भी कहां करेंगे, प्रकृति में, या कोई मुरली पढ़ लो कमरे में और एक चक्कर लगा के आओ प्रकृति। जितना हो सके प्रकृति से जुड़ना है, क्योंकि प्रकृति अनंत है, हमारी बुद्धि भी अनंत है, आत्मा भी अनंत है। अनंत अनंत से जब मिलता है तो अनंत का निर्माण होता है। नए विचार आएंगे, नए कॉन्सेप्ट आएंगे, जीवन की जो समस्या है, परिस्थिति है, उनके बारे में एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। जहां कंफ्यूजन चल रहा है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, जगावो कि मराव, हा एक सवाल, टू बी और नॉट टू बी। ये कंफ्यूजन चल रहा है जीवन में, करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। मराठी में नाटक है नट सम्राट, कंफ्यूज्ड, करूं कि नहीं करूं, कराव कि नहीं कराव, कराव कि जगाव कि मराव, जगाव कि मराव, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। शेक्सपियर का हैमलेट इसी दुविधा में रहता है। उसका उत्तर मिलेगा अचानक से, धक से मिलेगा, अपने आप आएगा वो उत्तर। बंद कमरे में उत्तर नहीं आते, पर हाँ, जो महान तपस्वी योगी है उसको तो कहीं पे भी आ सकते हैं। जो एडवांस्ड है उनके लिए सारे नियम ही अलग है। रामकृष्ण परमहंस के पास कोई भी आता था भोजन लेके और बैठता था, ठाकुर आपके लिए भोजन, वो नहीं खाते थे। वो व्यक्ति जाने के बाद फावड़ा लेके जहां वो बैठा ना, वो मिट्टी खोद के फेंक देते थे। विकारी व्यक्ति है वो, तमोगुणी व्यक्ति है, उसके स्पर्श मात्र से तमोगुणी संस्कार का संचार होगा। वो नरेंद्र को बुलाते थे, ये भोजन तुम्हारे लिए, तुम खाओ। ये सब ऋषियों में से एक है, महान आत्मा अवतरित हुई है धरती पर, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर वो बहुत नाजुक है खुद, वो नहीं खाते थे किसी के भी हाथ का। तो मनन करो, मनन करते करते क्या हो जाएगा, मगन अवस्था हो जाएगी। तो मनन की आदत डालनी है। छोटा सा वाक्य ले लो एक, उसका चिंतन करो, छोटा सा वाक्य ले लो। तीसरा है समान, मैं शिव शक्ति हूं, समान ले लो। मैं ऊंचते ऊंच ब्राह्मण आत्मा हूं, समान ले लो। इस पूरे ब्रह्मांड की मालिक बनने वाली आत्मा हूं, इस विश्व की मालक मालिक बनने वाली आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। समान से अभिमान कट हो जाएगा, परिस्थितियों में हिम्मत आ जाएगी, मेहनत कट हो जाएगी, बहुत सारी चीजें मुरली में आई है। निर्माण बन जाएंगे, विश्व महाराजन बन जाएंगे। इन समानों पर काम करना है, पर समान पर काम करने का अर्थ नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर, ऐसा भी नहीं। वो भी काम करेगा, अगर वो भी किया तो, जब भी कर लो तो भी काम करेगा। फिर भी उसके चिंतन में जाना है, उसकी गहराई में जाना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात मैं शक्तिशाली, मैं बहुत शक्तिशाली, मैं पावरफुल, मैं स्ट्रांग, स्ट्रांग हूं, समर्थ हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, सामर्थ्य है मुझ में, बहुत ही ताकत है, बहुत बाहुबली, महाबली, महावीर, सब मैं ही हूं। ऐसे उसका विस्तार करना, पहले अलग अलग शब्द ले लेना, फिर उसका विस्तार करना, और फिर स्थूल स्थूल शक्ति भी मुझ में है, माइंड की शक्ति भी है, ये भी शक्ति है, मेरा हर संकल्प शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल हूं। ऐसे अलग 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 उसका विस्तार करना है मन में, और उस पर काम करना है। जैसे किसी व्यक्ति को भोजन नहीं दिया गया, पर उसे सुबह सुबह एक संकल्प दिया जाता है, आज तुम्हारा उपवास है, तो वो उपवास का संकल्प उसमें शक्ति भर देता है कि वो टेम्पटेशन उसको नहीं होता है। माता है कितने उपवास करती है,
उनको क्या संकल्प, नवरात्रि है, उपवास करना है, भूख लगती है, परंतु तुरंत वो जीत लेते, क्यों, क्योंकि संकल्प जुड़ा हुआ है। अगर संकल्प नहीं है, ऐसे ही सोचो कि आज मैं तो ना फल खाऊंगा, काहे के फल और काहे के क्या, जितना बाकी दिन खाते हो उससे बाकी ज्यादा खा लोगे आज बाकी सारी चीजें, क्योंकि संकल्प जुड़ा नहीं है। हम अपना ही बताते हैं, एक बार कितना 84 डेज तक जूस किया था, जूस, फिर एक बहन ने वो चिप्स बेच दिए, हमने कहा क्या होता है एक चिप्स से, एक चिप्स खाया, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर, ऐसी भयंकर भूख चालू हो गई, एक महीना लगा छूटने को उससे, पतन हो गया पूरा, एकदम धराशाही। बहन जी वापस आई थी, और भेजू क्या, मैंने कहा माफ कर, कैसा था, आपको पसंद आया ना, मैंने कहा बहुत पसंद आया, चार पांच सामान दिए मुरली में, ब्रह्मांड का मालिक हूँ, विश्व का मालिक हूँ, विश्व का मालिक बनने वाली ऊंच तेज ब्राह्मण आत्मा हूँ, ये सर्वशक्तिमान हूँ, शिव शक्ति हूँ, बाबा ने कहा इस समान में स्थित हो जाओ, समान प्लस अनुभव, समान प्लस अनुभव, ये जुड़ जाए। और अनुभव के लिए क्या चाहिए, वो डीप सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए, केवल ऊपर ऊपर से नहीं, हम समान जो कुछ अभ्यास करते कॉन्शियस माइंड पर करते, डीप जाने के लिए उसको किसी से साथ जोड़ना पड़ेगा, किसी स्थान के साथ जोड़ना पड़ेगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट मुरली में। अब आते हैं सेकंड मुरली, 2372। इस मुरली में 10 पॉइंट्स है, तो अभी आज का एक होमवर्क और भी है आपको, जो पिछले 100 लोकेशंस दिए थे वो रिवाइज कर लो, 100 लोकेशंस, पीओ हैंगर्स नहीं, फर्स्ट वो जो 71 की अव्यक्त क्रांति में, उसको रिवाइज कर लेना, शांति स्तंभ वाले, ठीक है, वो सिंपल है, वैसे हम रोज 10-10 लेंगे और सबका रिवाइज भी हो जाएगा। इस मुरली में एक ही पॉइंट है, जो हूं जैसा हूं जानने से क्या होगा, मैं जो हूं जैसा हूं जानने से क्या होगा, खुद को जानने से, जैसे बाप जो है जैसा है उसको जानने से क्या होता है, वैसे जो हूं जैसा हूं जानने से क्या होता है। पॉइंट नंबर वन पहुंच जाओ शांति स्तंभ, तो शांति स्तंभ पर मैं पहुंचा क्या करके, मैंने अपने आप को जान लिया, मैं आत्मा हूं जो हूं जैसा हूं जान लिया, शांति स्तंभ पर पहुंचा, चार भाग है, 1, 2, 3, 4, देह में रहते विदेही, व्यक्त में रहते अव्यक्त, कर्म करते कर्मातीत, और चलता फिरता फरिश्ता, चार चीजें, क्या हो गया, ये चार बातें आ गई। कब हुई ये, जब मैंने अपने आप को जान लिया था, और जब मैं शांति स्तंभ में पहुंचा, तो बाबा ने इस पूरी मुरली में एक ही बात बताई है कि जब तुम अपने आप को जान लोगे तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे तुम जो हूं जैसा हूं जान लोगे, अपने सारे झूठ के साथ, अपने सारे घमंड के साथ, अपने सारे पाखंड के साथ खुद को जानना है। हम भी कोई कम पाखंडी नहीं है, हम जैसे पाखंडी, झूठ से भरे हुए लोग, पाखंड मतलब ढोंग, नाटक, दिखावा, नौटंकी, और हमने इन सब शब्दों के लिए, झूठ, चालाकी, पाखंड, नौटंकी के लिए एक अच्छा सा शब्द ईजाद करके रखा है, मुरली से ही लेके युक्त युक्त, इस एक शब्द में ये सारे शब्दों को हमने डाल दिया है, जिससे ये हमारी सेफ्टी का है, क्या है, कवच, कुछ भी करो सुरक्षा कवच बना लिया, ज्ञान का मिसयूज, उल्टी गंगा बहाना। स्टेप नंबर वन क्या होता है, स्टेप नंबर नहीं, फायदा, पहला फायदा क्या है, अपने आप को जानने से देह में रहते विदेही बन जाओगे, कर्म करते कर्मातीत, व्यक्त में रहते अव्यक्त, और चलते फिरते फरिश्ते। फिर आ जाओ हिस्ट्री हॉल, हिस्ट्री हॉल में सोचो बहुत सारे गुब्बारे हैं, और वो गुब्बारे ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर जैसे हिस्ट्री हॉल में हम गए वो गुब्बारे स्थिर हो गए। तो जब अपने आप को जानोगे तो सारे संयम या नियम ऊपर नीचे अप डाउन नहीं होंगे, अपने आप ही सारे नियम सारे मर्यादाएं फॉलो होने लगेगी। और नियम मर्यादाओं के लिए हमने क्या उपमा दे दी, एक गुब्बारे की, तो हिस्ट्री हॉल किससे भरा था, बलून से, और बलून क्या हो रहे थे, ऊपर नीचे, पर हम जैसे जाके बैठ गए सारे बलून स्थिर हो गए। तो बलून अर्थात बाबा ने यहां नियमों के लिए एक नया शब्द प्रयोग किया है, संयम, संयम ये शब्द प्रयोग किया है। परंतु इस शब्द को हम प्रयोग ना करके नियम शब्द बेटर है, बुद्धि को उसकी आदत है,
तो सारे नियम क्या हो जाएंगे, अप डाउन नहीं होंगे, अपने आप हो जाएंगे, फिर पहुंच जाओ। तीसरा लोकेशन क्या है हमारा, बाबा का कमरा। तो जो नियम है वो हमारे साथ साथ चलेंगे। तो सोचो वो बलून जो है ना बाजू में बैठ गया, वो बलून क्या हो गए, हमारे आसपास बैठ गए। कहां पर? बाबा के कमरे में। मतलब नियम क्या हो गए, साथ साथ चल रहे। फिर आ जाओ कुटिया में, तो कुटिया में एक बड़ी सी घड़ी है। कुटिया में क्या लगी है, एक बड़ी सी घड़ी। जैसे हम पहुंचे हमें समय की क्या हो गई, पहचान। तो जैसे अपने आप को जानोगे समय की तुमको पहचान हो जाएगी, सिंपल। आ जाओ आंगन में, हमारा फिफ्थ लोकेशन क्या है, आंगन। तो आंगन में नेचुरल नेचुरल हो गया है नियम। प्रैक्टिस संकल्प करने की जरूरत नहीं है, मुझे अमृत वेला इतने बजे उठना है, मुझे मुरली का अध्ययन करना है, अपने आप हो रहा है। तो आंगन में चलते फिरते क्या हो गया, अपने आप। फिर नेक्स्ट लोकेशन क्या है हमारा, ये रिसेप्शन। यहां रिसेप्शन में बैठते ही नशा चढ़ गया एकदम, एकदम नशा। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया था, वैसे तुमको नशा चढ़ गया है कि हमारा कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। नशा कौन सा, हमारा कोई भी कर्म उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि इस हॉल में तीव्र पुरुषार्थ के वाइब्रेशन से, ये अगर कहा जाए तो फिफ्थ स्तंभ है, एक बहन ने कहा था ऐसा। फिर आ जाओ ऊपर ओम शांति भवन में, निश्चय बुद्धि। जब खुद को जान जाओगे तो क्या हो जाओगे, संपूर्ण निश्चय बुद्धि। ब्रह्मा का उदाहरण दिया है, संपूर्ण निश्चय बुद्धि होके कहां बैठे हुए है, ओम शांति भवन में। पूर्ण निश्चय बुद्धि है कि ब्राह्मणों की सभा है, पूर्ण निश्चय बुद्धि है कि हम संगम युग चल रहा है, पूर्ण निश्चय बुद्धि है कि जो महावाक्य सुन रहे हैं वो किसके है, किसी मनुष्य के नहीं, स्वयं भगवान के, परमात्मा वाणी है, और परमात्मा वाणी रस से भरी हुई है। रसास्वादन, रस स्वादन कर रहा हूं मैं, आहा रस पी रहा हूं। अगला कहां जाओ, बाबा के कमरे में। तो ये बाजू का बाबा का कमरा है। बाबा ने कहा है कि स्मृति में यदि ये रहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, खुद की स्मृति, तो तुम्हारे बोल और कर्म आप ऑटोमेटिक संयम में चलेंगे, नियम में चलेंगे अपने आप। फिर आ जाओ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में जहां स्वमान है वहां अभिमान नहीं है। जब अपने रियल स्वमान में रहते हो तो अभिमान नहीं रहेगा। फिर आ जाओ मेडिटेशन हॉल लास्ट। मेडिटेशन हॉल में क्या, एक दूसरे को रिगार्ड, संगठन में। जब अपने आप को तुम जानोगे तो किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसी की निंदा नहीं कर सकते, किसी पे कमेंट नहीं कर सकते, किसी को गिरा नहीं सकते। उस दिन भी प्रश्न था, तुम्हारे शब्द कैसे नहीं होने चाहिए, गिराने वाले, पत्थर मारने वाले, दुख देने वाले, ये तीन था ना, एमसीक्यू था ना। तो ऐसे शब्द, ये कोई एमसीक्यू, काम पूरा हो गया और मार्क्स मिल गए, बाकी कुछ भी बोलते रहो, पत्थर मारते रहो तो क्या फायदा। पत्थर मारने वाले नहीं होने चाहिए, गिराने वाले नहीं हुए, दुख देने वाले। मुरली पूरी हो गई, अभी रिवाइज करते हैं। स्वयं को जानना अर्थात सबसे पहला क्या बनना, शांति स्तंभ। क्या शांति स्तंभ, जो हूं जैसा हूं नहीं, देह में रहते विदेही, कर्म करते हुए कर्मातीत, चल व्यक्त में अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता। सोचो ये कहां कर रहे हैं, शांति स्तंभ में। एक्चुअली हमारी स्टेप्स क्या है रेनबो मेथड्स की, जो आपने स्टोरी बनाई है लोकेशन मेथड से, उसको विजुअलाइज करना, आंखें बंद करके अब इसको विजुअलाइज करना। मैं शांति स्तंभ पर गया, बन गया, फिर मैं पहुंचा कहां, हिस्ट्री हॉल में। मन में विजुअलाइज करना है मैं कहां पहुंचा, वहां क्या थे गुब्बारे, गुब्बारे कौन है, नियम। तो अपने आप को जानना अर्थात नियम अप डाउन नहीं होंगे। फिर आ जाओ बाबा के कमरे में, नियम कैसे बैठेंगे, कैसे चलेंगे, साथ में चलेंगे। कुटिया में क्या था, समय, एक बड़ी घड़ी थी, तो समय की पहचान रहेगी जब खुद को जानोगे। फिर आ जाओ आंगन में, आंगन में क्या, नेचुरली हो गया है, बिल्कुल नेचुरल हो गया है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं, संकल्प भी तुमको करने की जरूरत नहीं है, अभी ऑटोमेटिक चल रहा है नियम सारे। फिर आ जाओ यहां पर, एकदम नशा है कि उल्टा कर्म हो नहीं सकता। फिर चले जाओ ओम शांति भवन में, क्या निश्चय बुद्धि, पूर्ण निश्चय बुद्धि, बाजू के कमरे में। स्मृति में यदि है मैं कौन हूं, तो कर्म और वचन अपने आप ऑटोमेटिक काम करेंगे। अगला लाइब्रेरी में अहंकार नहीं, स्वमान से अहंकार तो नष्ट होता है, और वो मेडिटेशन हॉल में एक दूसरों को रिगार्ड। सोचो हम मेडिटेशन हॉल में बैठ रहे हैं,
और सबके प्रति जितने कर रहे सबके प्रति मन में रिगार्ड भरा हुआ है। जो नीचे झुकते ना चाइना में ऐसे झुक झुक के करते, तो मन से वैसे झुक जाना है। चाहे हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन हो, हमारी रोज ग्लानी करता है, निंदा करता है, फिर भी वो महान आत्मा है, बाबा का बच्चा है, श्रेष्ठ आत्मा है, यही संकल्प करना है उसके प्रति। वो क्या होगा, हमारा शिक्षक। एमसीक्यू क्या था, बाबा उसको ज्यादा प्यार करता है। तो आज आपको 100 जो लोकेशंस थे वो भी रिवाइज करनी है, ये एक मेथड है, ठीक है। तो ये हमने 10 चीजें यहां देख ली, और कुछ बताऊं, यही बहुत हो गया ना। सकाश का क्या, हाँ बाबा ने, हाँ इसमें और एक चीज जोड़ दो, इसमें और एक चीज है कि जब तुम फरिश्ता बन जाओगे, ठीक है, अशरीरी वाला जो पॉइंट है ना उसमें, ऐसे में जो हमने कहा ना, जब अशरीरी बन जाओ, एएमएस कहाँ गया वो, एएमएस, एएमए अशरीर, जब अशरीरी बन जाओगे तो क्या हो जाएगा, फरिश्ता बन जाओगे। जब फरिश्ता बन जाओगे तो क्या होगा, दूसरों को भी साक्षात्कार होगा। तो दूसरों को कौन सा साक्षात्कार, जैसा ब्रह्मा को देख के दो साक्षात्कार होते थे, डबल साक्षात्कार, एक तो कृष्ण और एक तो संपूर्ण स्वरूप फरिश्ता, फरिश्ता और देवता, तो तुमको भी देख के फरिश्ता देवता। तो अशरीरी साक्षात्कार और फिर सेवा, कौन सी सेवा करनी है तुमको, अब ये सेवा करनी है। जब तुम शरीर से जितना डिटैच रहोगे तब दूसरों को अनुभव करा सकते हो। हम ही कुछ शरीर से फंसे हुए हैं, ये खाऊं वो खाऊं, ये करूं वो करूं, अभी स्थूल काम विकार से ही निकले नहीं है, तो ये जो सूक्ष्म काम विकार है वो कैसे निकलेंगे, तो दूसरे को अनुभव ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी मुरली में, वेरी गुड, मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है मुरली। सकाश की पॉइंट है इसमें, सकाश देने की सेवा करो, पर सकाश देने की सेवा ऐसी नहीं कि सकाश में जबरदस्ती दू, सकाश देना भी क्या है, परिणाम। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो अपने आप सकाश जाने लगती है, ये दूसरा कुछ निकलता ही नहीं ना। चार शुभ है संडे की मुरली, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ कामना, शुभ स्मृति, शुभ स्मृति से स्वरूप, ये चार चीजें याद रखो। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम कहाँ रहेंगे हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे हम कैसे खिलेंगे, अंधेरे में हम घिरे हुए पल 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 हम जिए, कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा, हम कहाँ रहेंगे हम कहाँ रहेंगे, प्रकृति हमसे पूछ रही है, हम हैं तो तुम हो, तुम हो तो हम हैं, इंसान हो तुम प्रकृति, हम हैं तो तुम हैं, तुम हो तो हम हैं, हमें जीने दो हमें खिलने दो, हमें पानी दो हमें रहने दो, हमें जीने दो हमें खिलने दो, दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियां हमारी हरियाली कर दो, हम यहीं रहेंगे हम यहीं खिलेंगे, हम यहीं जिएंगे हम यहीं जिएंगे। ये प्रकृति की पुकार है हमारे प्रति, इसके लिए प्रकृति की पुकार को सुनो, प्रकृति में जाओ, प्रकृति के साथ रहो, फूलों को देखो, गार्डन को देखो, तोड़ना नहीं उनको। प्रेम, लव और लाइक में क्या, आई लव यू आई लाइक में क्या अंतर है, आजकल कहते हैं ना आई लव यू आई लाइक यू, जब आप कहते हो आई लाइक यू तब मैं फूल को तोड़ता हूं, फूल से जब मैं कहता हूं आई लाइक यू तब मैं तोड़ता हूं, जब मैं फूल से कहता हूं आई लव यू तब मैं उसे पानी देता हूं, मैं उसे तोड़ता नहीं। लव अर्थात त्याग, हाँ जो गिरा है वो ठीक है पर तोड़ना नहीं उसको, क्यों तोड़ना है, उसको भी दर्द होता है। ओम शांति। तो प्रकृति से जुड़ना है, ये पूरी मुरली सोचो भट्टी प्रकृति की भट्टी है, यही नूतनता है। बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, we'll be right back।
से पूछा भीत भीत हरियाली कर दो हम